जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क फीस लागू है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो धन का अभाव होता है, हमारे पास पैसे रुकते नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं रहता है, मतलब आर्थिक तंगी कभी न कभी चलती रहती है। हम इतना अच्छा मेहनत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, पर फिर भी बनी रहती है। तो आज हम कुछ उपायों पर बात करेंगे। इन्हें करने के बाद मैं यकीन मानिएगा कि जो धन संबंधित आर्थिक परेशानी आपके साथ जूझ रहे हैं, इससे आप बाहर निकल पाएंगे और आपके पास धन टिकेगा भी, स्थायी रूप से रहेगा भी, और आपके बहुत सारे काम जो है वो सकारात्मक वे में जाएंगे। क्योंकि धन सब कुछ नहीं होता है वर्तमान में, पर बहुत कुछ होता है। सब कुछ तो नहीं होता है धन, पर बहुत कुछ वर्तमान में होता है। तो धन हर एक व्यक्ति की कई सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है, ये आज के युग का एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। इसलिए हम आज इसी विषय पर बात करेंगे, ये उपायों को आप कैसे करें, ये पूरा डिटेल में आप जानेंगे, और इसके साथ साथ ही इन उपायों को करने के बाद आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभु, हर हर महादेव, और कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला और मुख्य उपाय ये है कि आप खुद को गुरु मंत्र से लेस रखें। मतलब गुरु मंत्र से लेस रखने का सीधा सा अर्थ है कि कोई गुरु मंत्र जरूर लें। मैं फिर से 10 बार दोहरा रहा हूँ कि गुरु मंत्र में वो शिद्दत, वो शक्ति होती है कि उसके पास, व्यक्ति के पास लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से टिकती भी है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा रहती है। तो गुरु मंत्र, अब आपके पास ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हम गुरु मंत्र कैसे लिया जाए। गुरु मंत्र लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के पास जो भी शिव मंदिर हो, शिव जी को जल चढ़ाए और उन्हें अपना गुरु आज से मान लें और गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय ले लें, जो मन के अंदर जाप करना शुरू कर दें। ये बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक सा काम है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं बहुत भयानक फ़ायदे हैं, मतलब आप खुद सोच भी नहीं सकते, और आने वाले 7 दिनों में 8 दिनों में आपको इसके फ़ायदे दिखाई देने लग जाएगा। दूसरी जो बात है, आपको नशा और व्यसन से दूरी बना के रखना होगा। ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। जो लोग नशा और व्यसन में डूबते हैं उनके यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती, और अगर लक्ष्मी आएगी भी तो अशुभ लक्ष्मी आएगी, अपने साथ रोग दोष और कई सारी परेशानियां जिनके हम ठीक करने में, वो जो धन कमाया उसे ठीक करने में खर्च कर देंगे। तो कोशिश करें कोई भी नशा व्यसन और शाकाहार को अपनाएं दोस्तों, क्योंकि इन सब चीज़ों का सेवन करने से, किसी जीव की हत्या करके उसका भोजन करने से, मुझे नहीं लगता है कि हम मानवतावादी लोग हैं, इसलिए शाकाहार को अपनाएं। दूसरा उपाय ये हमेशा अपने जीवन में, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति में धन धान्य या लक्ष्मी माँ की कृपा किसी के घर में भी रहे, उसके लिए ज़रूरी है महिलाओं का सम्मान। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात कहता हूँ कि छोटी छोटी सी जो हमारे व्यवहारिक तत्व हैं, जो हम जाने अनजाने में गलत कर रहे हैं, अगर हम इन्हें सही कर लेंगे तो मैं आपसे यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी फ़ायदा आपके जीवन में होगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में लिखना ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।